हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जसवंत सिंह फ्रॉम अपना गाइड और मैं आपके सामने हाजिर हूं रियासत काल में बने ऐतिहासिक परकोटे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर। दोस्तों, प्राचीन समय में किसी रियासत या नगर को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके चारों ओर ऊंची, मजबूत और चौड़ी दीवार बनाई जाती थी। इसी मजबूत सुदृढ़ चार दीवारी को परकोटा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसी ही एक रियासतकालीन सुदृढ़ मजबूत चार दीवारी जयपुर परकोटे। दोस्तों, जयपुर शहर की स्थापना के समय 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। 6 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी इस दीवार में अलग अलग दिशाओं में 7 प्रमुख किले बंद द्वार हैं, जिनमें नंबर 1 ध्रुव उत्तर दिशा में आमेर की तरफ इस स्थित गेट का नामकरण पोलिस्टा ध्रुव तारे के नाम पर किया गया। इसे एक अन्य नाम जोरावर सिंह गेट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 सूरजपुर, यह पूर्व दिशा में स्थित है। इसे इस पर बने सूर्य चिन्ह से आसानी से पहचाना जा सकता है। नंबर 3 चांदपुर, यह सूरज पोल के विपरीत पश्चिम दिशा में स्थित है। दोस्तों, दक्षिण दिशा में 4 प्रमुख दरवाजे हैं, जिनमें नंबर 4 अजमेरी गेट, यह अजमेर की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। इसे किशन पोल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5 नया पोल, प्रारंभ में आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले छोटे दरवाजे के रूप में इसका उपयोग होता था। इसका विस्तार बाद में सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया। इसे न्यू गेट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6 सांगानेरी गेट, यह सांगानेर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित इस दरवाजे को पास ही स्थित शिव मंदिर के कारण शिव पोल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7 घाट गेट, घाट की दूनी की ओर स्थित इस दरवाजे के अंदर की तरफ रामगंज बाजार है। इसे राम पोल भी कहा जाता है। दोस्तों, इन सब के अलावा परकोटे में अनेक छोटे छोटे आंतरिक गेट भी हैं, जिनमें सम्राट पोल, चार दरवाजा, गंगा पोल, गणेश पोल, त्रिपोलिया गेट आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, इन्हीं 7 प्रमुख दरवाजों की तरह इनकी भी अपनी एक अलग दास्तान है, अपनी एक अलग कहानी है। अगर दोस्तों बात परकोटे के अंदर की बसावट की जाए तो यह सुव्यवस्थित व सुनियोजित तरीके से बसाया गया है। इसके अंदर 9 ब्लॉक्स हैं और 3 चौपड़ हैं। इन चौपड़ों का उपयोग विशेष अवसरों व त्योहारों पर लोगों के इकट्ठा होने के लिए किया जाता था। प्रत्येक चौपड़ 100x100 मीटर की साइज में है। इन चौपड़ों के बीच 700 मीटर की दूरी है, जो कि पैदल यात्रियों के लिए आइडल डिस्टेंस है। परकोटे के अंदर 34 मीटर मतलब 111 फीट चौड़े मुख्य रास्ते मेन स्ट्रीट्स हैं, 55 फीट चौड़ी सेकेंडरी स्ट्रीट्स व 27 फीट चौड़ी स्मॉलर स्ट्रीट्स हैं। इन सब के अलावा परकोटे के अंदर जयपुर के बाजारों की शान जौहरी बाजार है, जहां राज्य चिन्ह उगते हुए सूर्य के आकार के खंभे लगाए हुए हैं। अपनी अनूठी स्थापत्य कला और शिल्प कला के लिए विश्व भर में विख्यात जयपुर परकोटे को 6 जुलाई 2019 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान प्रदान किया गया है। दोस्तों, परकोटे में स्थित ऐतिहासिक व प्राचीन दरवाजे, हेरिटेज लुक वाले बरामदे, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, चार दीवारी की गुलाबी रंगत, धरोहर, लाख की चूड़ियाँ, चौकड़ी खाना, स्वर्ण मीनाकारी आदि विशेषताएँ इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं।